प्रिय श्रोताओं, ये भजन उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र अपने महलों को छोड़कर 14 साल तक वन में रहने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी भेंट एक भीलनी से होती है, जो कि वर्षों से प्रभु के दर्शन की प्यासी थी। उनके बीच क्या बातें होती हैं, सुनिएगा जरा। जाता है उनके मात पिता की ओर, कहती है, अरे कैसे माता पिता है, इतने सुंदर बेटों को वनवास दिया है। और वो भीलनी क्या कहती है, सुनिएगा जरा। मजबूर थे तो क्या तुम्हारे किसी भाई ने भी तुम्हें नहीं रोका? क्या उनको तुम्हारी जरूरत नहीं थी? और इसी बात पर क्या सवाल जवाब होते हैं, सुनिएगा जरा। Oh,
और कहने लगती है, अरे भाई, बहन और भाई का तो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। क्या कोई तुम्हारी बहन भी नहीं थी? क्या उसने भी तुम्हें नहीं रोका? और भगवान क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा। ब्याही नार की तरफ कहती है, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है। क्या तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हें नहीं रोका? और भगवान क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा जरा। लेती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, मेरे भगवान श्री रामचंद्र हैं। भीलनी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है और कहती है कि मेरी तपस्या पूरी हो गई है, मुझे आपका दर्शन हुआ, मेरा उद्धार हो गया है, मैं धन्य हो गई हूँ प्रभु। और अपने प्रभु श्री राम के लिए मीठे मीठे बेरों की डालड़ी भरकर ले आती है और बड़े ही प्यार और बड़े ही भाव से उन्हें खिलाने लग जाती है। और कैसे भगवान का आदर सत्कार कर रही है, सुनिएगा जरा।